दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का कल्याणी फैमिली ब्लॉग एंड सिलाई चैनल पर। मैं उम्मीद करती हूँ माता रानी कृपा से आप लोग सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और दोस्तों आज है विजयादशमी, तो विजयादशमी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ, माता रानी सबकी रक्षा करें। और दोस्तों अभी जो पूजा आज है विजयादशमी, तो मैं इस दिन की सभी पूजा विधि और सिंदूर खेला का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसे देख सकते हैं। और आज हमारे यहाँ नवपत्रिका विसर्जन है, मैं नवपत्रिका विसर्जन का आज शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। नवपत्रिका क्या है, कौन कौन से नवपत्रिका में कौन कौन से पौधे होते हैं जिनका हम लोग पूजा करते हैं, तो फ्रेंड्स मैं आप सबके साथ वही शेयर कर रही हूँ। और हमारे यहाँ का नवपत्रिका विसर्जन का पूरा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कैसे धूमधाम से मनाया जाता है नवपत्रिका, कैसे हम लोग विसर्जन करते हैं उसी का। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। भोग लग रहा है प्रसाद के रूप में और देख सकते हैं यहाँ पर नवपत्रिका माँ है, नवपत्रिका नौ देवी माँ, तो इन्हीं का अभी भोग लगाया जा रहा है और इन्हीं का अभी विसर्जन होगा। सभी भगवान को भोग लगाया जाएगा, उसके बाद फिर प्रार्थना करके अच्छा चीट कर और सभी को अपने स्थान से थोड़ा सा हिला करके और सभी को जहाँ से आह्वान करके बुलाए हैं वहीं फिर वापस चले जाते हैं, उनको वापस भेज दिया जाता है, उसके बाद ही विसर्जन किया जाता है। तो आप देख सकते हैं सभी को विधि विधान से हमारे पंडित जी यहाँ पर पूजा करा रहे हैं और जो मुख्य पुजारी हैं वे लोग पूजा करके सबको भोग लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स नवपत्रिका पूजा में नौ तरह के शुभ पेड़ पौधे होते हैं जिसके डालियों को पूजा किया जाता है और बहुत ही शुभ होता है, उसमें नौ देवी का रूप होता है। तो फ्रेंड्स नौ तरह के जो शुभ पौधे और पत्ते होते हैं जिसका पूजा करते हैं उसमें केला, अनार, अपराजिता, धान, हरिद्रा, कच्छू, बिल्वपत्र, अशोक और जयंती का पौधा होता है जिसमें नौ देवी दुर्गा का आह्वान किया जाता है और सबसे मुख्य वही होता है जिसको हम लोग सप्तमी के दिन से जानते हैं, पूजा सप्तमी के दिन पट खुलने के नाम से जानते हैं हम लोग, उस दिन से माता रानी को पूजा शुरू हो जाता है और पट खुलता है, उसी का दर्शन करते हैं और उस नवपत्रिका का पूजा शुरू होता है, उस दिन से ही माता रानी का विशेष यहाँ पर पूजा शुरू हो जाता है मूर्ति पूजा में। तो फ्रेंड्स नवपत्रिका को आज विसर्जन किया जाएगा और नवपत्रिका में सभी देवी का वास होता है, नौ तरह की देवी होती हैं जो माता रानी का हम लोग नौ रूप का पूजा करते हैं, तो वहीं नौ देवी के पूजा होता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कैसे नवपत्रिका का भी पूजा के बाद यहाँ पर सजाया जा रहा है, तो कंधे पर उठा करके पालकी की तरह और लेकर के जाएंगे, तो यहाँ पर साड़ी से सजा करके और अच्छे से लपेट कर और उसके बाद ही लेकर जाएंगे। तो धूमधाम से हमारे यहाँ मनाया जाता है, मतलब विसर्जन किया जाता है माता रानी को बहुत ही अच्छे से। और उसके बाद जो मूर्ति विसर्जन है वो तो होता ही है, नाच गान के साथ जाते ही हैं, पर नवपत्रिका विसर्जन भी हमारे तरफ बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। हमारे तरफ सभी जो हमारे गली के हैं सभी औरतें आई हैं और सब लोग जाएंगे अभी नवपत्रिका विसर्जन में, और आप लोग भी चलिए, आप लोगों को भी दिखाते हैं कैसे यहाँ पर धूमधाम से नवपत्रिका विसर्जन करते हैं। Yeah.
चलाया सब है। दीदी वेरी गुड आई एम लव यू। अगरबत्ती भी है किनारे साइड बैठो जी तो लो बच्चे लोग। ओम जयंती मंगला काली ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधाय नमस्तुते स्वाहा सुधाय नमस्तुते वाहन न जानामि न जानामि विसर्जनम पूर्यसे न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मन्देहिनं क्रियाहीनं भक्तेहिनं सुरेश्वरी यत्पूर्णतमया देवी परिपूर्णं तदस्ति मे माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव पूजाभ्यर्चना काले तुम पुनरागमनाय श्रीनवपत्रिका दिव्य भू नम। अच्छा अपराजिता को इसको भी खोलना है कपड़ा भी खोलना कपड़ा सब खोल रहा है।
हाँ ठीक है, तुम घर ले जाना ना, पकड़ो जाए पकड़ो, हो गए यहाँ बड़ा है, अंदर घुस के पकड़ो, इतना अच्छा तो सब डाल कर दे, हम भी डूबे तो बताना नहीं, वही गौतम गौतम तेरे को नहीं है, गौतम सीढ़ी से उतरते पानी है ना, आगे कड़ा होता है ठंडा, इतना गर्मी है ना, चार बार पार करते थे, एक बार ले जा रहा हूँ, पानी छिटा लीजिएगा, इधर तक पहुँचाओ पानी, अरे वही छिटा लीजिए ना, बीस कला में छिटवाते जा रहा तो फ्रेंड्स, नौ पत्रिका महारानी का विसर्जन हो गया है और अभी हम लोग सब लोग घर जाएंगे। आप देख सकते हैं तालाब में बहुत ज़्यादा पानी है और बहुत गहरा है ये तालाब, और देखने में तो छोटा ही लग रहा है पर बहुत ही गहरा है, बहुत ज़्यादा पानी है। और देखिए नौ पत्रिका विसर्जन हो गया है और अभी हम लोग सब लोग आ गए हैं मंदिर में फिर से वापस, और यहाँ पर प्रसाद ले रहे हैं सब लोग, दही और चूड़ा का। और फ्रेंड्स, आज के दिन ज्वारे का भी घर ले जाते हैं, और जो ज्वारे है उसका बहुत ही शुभ होता है घर में रखना। तो और अपराजिता का जिन्होंने नहीं बंधाया था मौली, उन लोग आज बंधा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।